गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों जय माता दी। आज की वीडियो में हम आपको दैनिक पंचांग राशि परिचय राशि फल एवं खास उपाय की जानकारी देंगे। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 8 जून शनिवार 2024 श्री शुभ संवत 2081 षट संवत 1946 जेठ महीना उजाला पाठ द्वितीय सूर्य वृषभ राशि में चंद्रमा मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र रात में 10:37 तक रहेगा। इसके बाद पुनर्वर्ष नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। दिशा सूर्य पूरब दिशा परिहार अद्रक। कहने का मतलब यह है आज पूरब दिशा की यात्रा करना आपके लिए ठीक नहीं। अगर पूरब दिशा की यात्रा करना आपके लिए जरूरी है तो आप अदरक खाकर यात्रा आरंभ करें तो सफलता मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। राहु काल प्रातः 9 से 10:30 तक, उलिक काल प्रातः 6 से 7:30 तक एवं गंड काल दिन में 1:30 से 3 तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें। क्यों? जो भी शुभ काम राहु काल में किए जाते हैं या किसी भी प्रकार की यात्रा शुरू की जाती है, ये दोनों ही काम में कदम कदम पर दिक्कत और परेशानी उठाना पड़ता है। अगर कोई शुभ काम करना चाहते हैं या यात्रा का आरंभ करना चाहते हैं, ये अगर दोनों ही काम गुलिक काल में शुरू करते हैं तो आपको सफलता मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। अब हम आपको राशि परिचय की तरफ लेके चलते हैं। अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी राशि की जानकारी कर लें। कुछ अक्षर दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं, इन्हें इस प्रकार समझें। प्रा प्रा से भी बहुत लोग के नाम हैं, तो जैसे कि प्रेम नारायण प्रेम कुमार, तो भैया प्रा को आप पास देखें। कहना मतलब यह है प्रा को आप कन्या राशि में देखें। इसी प्रकार से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर त्रा है। त्रा से भी बहुत लोग के नाम हैं, जैसे त्रियुगी त्रिवेणी। अब आप क्या करेंगे, तो भाई त्रा को आप त्रा से देखें। कहने का तात्पर्य यह है त्रा को आप तुला राशि में देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर ज्ञा होता है, और ज्ञा से बहुत लोग के नाम हैं, जैसे कि ज्ञानचंद ज्ञानेश्वरी। अब आप क्या करेंगे, तो भाई ज्ञा को आप गा से देखें। कहने का मतलब ये है ज्ञा को आप मकर राशि में देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर श्रा होता है, और श्रा से भी बहुत लोग के नाम हैं, जैसे कि श्री देवी श्री नारायण। अब आप क्या करेंगे, तो भैया श्रा को आप सा से देखें। कहने का सीधा अर्थ यह है श्रा को आप कुंभ राशि में देखें, ठीक है ना। अब हम आपको राशि फल की तरफ लेके चलते हैं। एरिस यानी मेष राशि। मेष लग्न राशि के जातकों आज का दिन शुभ है, भाग्योदय होगा, कठिन परिश्रम के द्वारा सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, मनोबल ऊंचा रहेगा, जमीन जायदाद संबंधी मामलों में लाभ मिलने के योग दिख रहे हैं, माता को सुख प्राप्त होगा। विशेष उपाय गणपत स्त्रोत का पाठ करें। टोरस यानी वृषभ राशि। वृषभ लग्न राशि के जातकों आज का दिन सामान्य रहेगा, पराक्रम के द्वारा लाभ मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, धन लाभ होगा, परंतु परिवार की तरफ से कुछ चिंता आपको सताएगी, आयु में वृद्धि होगी। विशेष उपाय शिव जी पर सफेद पुष्प चढ़ाएं। जेमिनी यानी मिथुन राशि। मिथुन लग्न राशि के जातकों आज का दिन शुभ है, धन लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं, मन प्रसन्न रहेगा, पति पत्नी में आपस में प्रेम रहेगा, रोजगार में लाभ होगा। विशेष उपाय तुलसी के पौधे में जल चढ़ा।
कैंसर यानी कर्क राशि, कर्क लग राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए ठीक नहीं है। दिमागी टेंशन बढ़ेगी, खर्चा भी बढ़ेगा, परंतु बाहरी स्थानों से मदद मिलने के योग दिखाई दे रहे। विशेष उपाय, जानवरों को पीने के लिए पानी का प्रबंध कीजिएगा। लियो यानी सिंह राशि, सिंह लग राशि के जातकों आज का दिन समान रहेगा। विद्यार्थियों को विशेष मेहनत की आवश्यकता है, संतान से मतभेद होने के योग दिखाई दे रहे। विशेष उपाय, उगते हुए सूर्य को प्रणाम करें। वर्गो यानी कन्या राशि, कन्या लग राशि के जातकों आज का दिन शुभ है। पिता को लाभ मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। सरकारी कामों में सफलता मिलेगी, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ने के योग दिख रहे हैं। माता का सहयोग प्राप्त होगा, जमीन जायदाद संबंधी मामलों में लाभ मिलने के योग दिख रहे हैं। विशेष उपाय, गणेश भगवान को मोदक चढ़ाएं। लिब्रा यानी तुला, तुला लग राशि के जातकों आज का दिन शुभ है। सरकारी कामों में सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। भाग उन्नत होगी तथा मनोबल आपका ऊंचा रहेगा, भाइयों का सहयोग मिलेगा। विशेष उपाय, अपनी पत्नी पर भरोसा रखिएगा। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग राशि के जातकों धार्मिक कामों में अरुचि रहेगी, भाग्य में बाधा पड़ेगी, धन लाभ होगा, परिवार का सहयोग मिलेगा। विशेष उपाय, नहाने के पानी में लाल चंदन का बुरादा डालें। सेजिटेरियस यानी धनुराशि, धनु लग राशि के जातकों आज रोजगार मंदा रहेगा। पति पत्नी में मतभेद होने के योग दिखाई दे रहे हैं, परंतु मन खुश रहेगा। विशेष उपाय, पति पर भरोसा रखें। कैपिकार यानी मकर राशि, मकर लग राशि के जातकों आज का दिन खर्चा बढ़ेगा, दुश्मन आप पर हावी होने कोशिश करेगा, आमदनी बढ़ेगी। पति पत्नी में आपस में मतभेद होने के योग दिख रहे हैं, रोजगार मंदा रहेगा। विशेष उपाय, घर के अंदर कूड़ा कबाड़ न इकट्ठा होने दें। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, कुंभ लग राशि के जातकों आज का दिन समान रहेगा। संतान से मतभेद होने के योग दिख रहे हैं। विद्या में कमजोरी रहेगी, आमदनी मंदी रहेगी। विशेष उपाय, जूते चप्पल का दान करिए। पाइसिस यानी मीन राशि, मीन लग राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए शुभ है। संतान का सहयोग प्राप्त होगा, माता का सहयोग मिलेगा, जमीन जायदाद संबंधी मामलों में लाभ होने योग दिख रहे हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। विद्यार्थियों को विशेष मेहनत की आवश्यकता है। विशेष उपाय, चने की दाल का दान करें। अगर अपनी राशिफल में विशेष सटीकता चाहते हैं तो अपनी राशिफल को लग्न से देखें। अगर आपको अपनी लग्न नहीं मालूम है तो हमसे संपर्क करके निःशुल्क अपने लग्न की जानकारी कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें। हमारे इन वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। ये हमारे सारे पॉपुलर वीडियो हैं। आवश्यक सूचना, हस्तरेखा परीक्षण, जन्मपत्र परीक्षण, ग्रह शांति, सत्यनारायण कथा, संतान प्राप्ति, तांत्रिक अनुष्ठान, विवाह आदि के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9807225523 पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप या कॉल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मिलने का स्थान मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कम्युनिटी सेंटर सामने, पार्क के पास, आवास विकास नंबर 1, कल्याणपुर, कानपुर नगर। जय माता दी।